हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईशो ऑन व्हील्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें सारे ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, एक पेंडेमिक है जो जिसकी वजह से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है। बहरहाल अब लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार ने बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें परमिशन नहीं दी है जाने की। हम अपने स्टेट से बाहर कहीं नहीं जा सकते। अगर जाना है तो आपको अपने डीएम से, जो आपका शहर का डीएम है, उससे परमिशन लेके जानी होगी। यार, इस चीज़ में बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब तक ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक आप अपने घर पे रहिए जैसे हम अपने घर पे हैं। यार, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं घर में बैठे बैठे, लेकिन क्या करें, इस लॉकडाउन की वजह से और इस पेंडेमिक की वजह से हमें अपने घर में रहना है, अगर हमें सेफ रहना है, अपने घर वालों को सेफ रखना है। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से और अब तक मुझे बहुत सारी जगह पे ट्रैवलिंग के लिए जाना था। मुझे केदारनाथ जाना था, शिमला के लिए जाना था और मुझे मनाली भी जाना था। इसके साथ साथ जून जुलाई में मेरा लद्दाख जाने का भी पूरा प्लान था, लेकिन यार इस कोरोना की वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया है, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं तो आपका क्या बजट आएगा और आप कैसे कैसे मनाली तक पहुंच सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। गाइस, वीडियो को पूरी देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, जब जब हमारे यहाँ पे गर्मी आती है तब तक हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम थोड़े से गर्मियों के दिन बिताने के लिए कहीं ठंडी जगह पे चले जाएं। तो हम सबसे पहले जो प्रीफर करते हैं वो करते हैं शिमला, मनाली या फिर और कोई सी जगह ऐसी जहाँ पे हमारे यहाँ से ज़्यादा ठंडक होती है, तो हम लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने शिमला का बजट आपको बताया था, आपके लिए एक वीडियो बना के डाली थी। गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगा, वहां पे जाकर आप उस वीडियो को देख और आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप शिमला जाना चाहते हैं तो आपका क्या बजट रहने वाला है, आपके कितने रुपए खर्च होने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली से बहुत सारी जगहों से मनाली के लिए बसें चलते हैं, लेकिन जो फेमस प्लेसेस है वो है मजनू का टेला और ISBT कश्मीरी गेट। यहाँ पे आपको हर आधे घंटे में मनाली की बस मिल जाएगी। जो मनाली का पर पैसेंजर का किराया होता है वो अप्रोक्स 850 रुपये होता है। तो गाइज, अगर आप दिल्ली से कहीं बाहर से आ रहे हो तो आप दिल्ली ना आके आप डायरेक्ट चंडीगढ़ पहुंचे, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली के पास में पड़ता है। तो आप चंडीगढ़ बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, ट्रेन में आपका खर्चा कम लगेगा। आप चंडीगढ़ से बस हायर कर सकते हैं, बस से आप मनाली पहुंच सकते हैं बहुत आराम से। तो अब बात करते हैं चंडीगढ़ से मनाली की बस की। तो अगर आप रोडवेज से जाना चाहते हो तो रोडवेज की जो किराया आएगा आपको आएगा 350 रुपये अप्रोक्स, और अगर आप वोल्वो से जाना चाहते हो तो वोल्वो आपको 450 रुपये में आपको लेके चली जाएगी मनाली। सो गाइज, आप ओयो रूम से, मेक माई ट्रिप से और गोवाई बीबो से भी अपना होटल रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप वहां पे डायरेक्ट जाके भी अपना होटल रूम बुक कर सकते हैं और आपको आपके बजट में अच्छे होटल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो गाइज, मनाली में सारी जगह घूमने लायक हैं, लेकिन उनमें से 9-10 जगह ऐसी हैं जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाना पसंद करता है। यार दोस्तों, मनाली की या और किसी जगह की जो टैक्सी यूनियंस होती हैं उन्होंने अपने चार्ट अलग से प्रिपेयर करे होते हैं, जो चार्ट उसकी डिटेल पूरी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देता हूँ, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप
कहीं पे साइट सीन के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आप उनमें से 9-10 जगह में से 6-7 जगह जाना चाह रहे हैं, तो उसके कितने पैसे लगेंगे? सो गाइस, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 4-5 फैमिली मेंबर हैं और आप मनाली साइट सीन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो टैक्सी होगी वो 3-4 हज़ार रुपये में हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मनाली की साइट सीन की, कि आप मनाली में साइट सीन कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है सोलांग वैली। सोलांग वैली एक तरीके का मैदान कह सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है रोहतांग पास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लद्दाख, लेह या फिर लाहौल स्पीति जाना चाहते हैं, तो आप रोहतांग पास से होते हुए ही निकलेंगे। रोहतांग पास आपको रास्ते में पड़ेगा। यार जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि रोहतांग पास में 12 महीने बर्फ़ जमा रहती है, और सर्दियों के महीने में रोहतांग पास का रास्ता बंद हो जाता है टूरिस्ट के लिए। और दोस्तों, जब भी रोहतांग पास खुलता है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और यहाँ पे बर्फ़ का आनंद उठाते हैं। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। दोस्तों, थर्ड नंबर पर आता है हडिम्बा टेम्पल। सो गाइज, इस मंदिर को डोंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का जो हिस्ट्री है, वो महाभारत के जो भीम थे उनकी पत्नी का मंदिर है। यहाँ पे उनकी कोई मूर्ति नहीं है, उनकी पद चिन्हों की यहाँ पे पूजा करी जाती है। सो दोस्तों, फोर्थ नंबर पर आता है जोगनी वाटरफॉल। दोस्तों, मनाली के सिटी सेंटर से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल है, जिसको जोगनी वाटरफॉल कहा जाता है। देखो दोस्तों, इस वाटरफॉल का कोई हिस्ट्री नहीं है, जैसे नॉर्मली पहाड़ों पे से झरना बहते हैं ऐसी ये झरना है, लेकिन टूरिस्टों का बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है ये। और यहाँ पे भर भर के टूरिस्ट आते हैं और इस वाटरफॉल में नहाते हैं और यहाँ की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। करते हैं मणिकरण साहिब की। सो गाइस, मणिकरण साहिब हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये जगह पार्वती घाटी और पार्वती नदी के बीच में है। ये हिंदू और सिखों की एक पवित्र जगह है। मणिकरण अपने गर्म पानी के लिए फेमस है। सो गाइस, ये माना जाता है कि अगर किसी को भी स्किन से या घटिया बाई की प्रॉब्लम होती है, इस पानी में नहाकर वो एकदम से ठीक हो जाता है। सो दोस्तों, ये मनाली की कुछ बहुत 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 फेमस जगहें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। वैसे तो मनाली में बहुत सारी फेमस जगहें हैं और जहाँ पर टूरिस्ट जाना पसंद करता है, लेकिन अगर मैं सब कुछ बताने लग जाऊँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और बताते बताते मैं भी थक जाऊँगा, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी। वैसे भी अभी तक 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और मनाली में, मनाली सिटी में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, और मनाली में आप माल रोड पे भी घूम सकते हैं। माल रोड के अलावा आप वशिष्ठ टेम्पल में भी घूम सकते हैं मनाली में। यार मनाली में मतलब हिसाब ही नहीं है जगह का, कि आप थक जाओगे घूमते घूमते, लेकिन जगहें ख़त्म नहीं होंगी। तो दोस्तों, एक बारी पूरे पूरे खर्चे की बात कर लेते हैं। मैं आपको एक नोट बना के समझा देता हूं कि आपका कितना खर्चा आने वाला है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। गाइज, मैंने आपको सारा खर्चा बता दिया है, 1 बाय 1 मैंने सब कुछ बता दिया है कि अगर आप दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा, ट्रैवलिंग में कितना खर्चा आएगा, वहाँ पे जब आप रहेंगे कितना खर्चा आएगा आपका, और अगर आप वहाँ पे साइट सीन करेंगे तो टैक्सी आपसे कितने रुपये लेगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।